नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। राजस्थान उपचुनाव में ड्यूटी कर रहे एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गुरुवार दोपहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान पुलिस के एडीजी विजय बंसल भारी पुलिस बल के साथ करीब 12 बजे समरावता गांव पहुंचे। उन्होंने पहले नरेश मीणा को सरेंडर करने के लिए कहा, मगर उनके समर्थक पुलिस का विरोध करने लगे, जिसके चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला बिगड़ने से पहले पुलिस ने नरेश मीणा को एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया और तुरंत गाँव से निकल गई। बाड़मेर में आरएएस अधिकारियों ने एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान टीना दाबी ने कहा कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हमने भी ऊपर ज्ञापन दिया है, ऑन ड्यूटी अधिकारी को मारना गलत है। राजस्थान में 927 आरएएस अधिकारी पैन डाउन हड़ताल पर चले गए। इसके साथ 10,000 पटवारी, 13,000 रेवेन्यू कर्मचारी, 600 तहसीलदार, 15,000 ग्राम सेवक संघ सहित करीब 40,000 कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद पैन डाउन हड़ताल पर गए राजस्थान के 40,000 आरएएस अधिकारी कर्मचारी वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। कई आरएएस अधिकारी आज शाम भजनलाल सरकार से मुलाकात की और रणनीति तय कर दी। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद पैन डाउन हड़ताल पर गए राजस्थान के 40,000 आरएएस अधिकारी और कर्मचारी वापस लौट आए। उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया और कई आरएएस अधिकारियों ने शाम को सीएम से मुलाकात की और आगे की रणनीति तय करी। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने बताया कि हम सरकार से एम्प्लॉय सिक्योरिटी एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर वो लागू हो जाए तो पुलिस या अन्य जिसकी भी अधिकारी की भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। ये दाग तभी धुलेगा जब अपराधी को सजा होगी। राजस्थान में बहुचर्चित फोन टैपिंग प्रकरण में बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए लगाई याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एफआईआर पर गिरफ्तारी से रोक के लिए याचिका लगाई थी। इस याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। इसके साथ ही लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब किसी भी वक्त लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है। लोकेश शर्मा का कहना है कि वो पहले से क्राइम ब्रांच के साथ पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें आगे सहयोग करेंगे। इसके अलावा इस मामले से जुड़े सबूत भी क्राइम ब्रांच को सौंप चुके हैं। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर गर्माए माहौल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथ लिया। जोधपुर एयरपोर्ट पर बात करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है तो लोगों में वो डर भी खत्म हो जाता है, तभी लोग कानून को हाथ में लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ ये क्यों हुआ, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद आज दोपहर टोंक जिले में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। नरेश मीणा के समर्थकों ने उनियारा हिंडोली हाईवे जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। लोग अपनी अपनी जगह पर बचकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार यहां हिंसा भड़कने जैसा माहौल नजर आया। हालांकि पुलिस इन हालातों को काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए नजर आई, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक अपनी जगह पर डटे रहे। वे लगातार मीणा को छोड़ने की मांग कर रहे थे। हनुमानगढ़ टाउन के नगर परिषद सभागार में आज नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। खास बात यह है कि करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन पर ही फोकस रहा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति सुमित रणवा ने बताया कि परिषद के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई बोर्ड कोष के अंदर 16 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़कर जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रेगुलेशन कमेटी की बैठक पर आज हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में संगरिया, पीलीबंगा, रायसिंहगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के कांग्रेस विधायक शामिल रहे। वहीं बैठक में भाजपा का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ। 5 विधायकों की मुख्य अभियंता असीम मारकंडे के साथ पानी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इंदिरा गांधी नहर आगामी 2 बोरियों में 3 में से 1 समूह में पानी चलाने की सहमति बनी। मुख्य अभियंता के अनुसार जनवरी माह में रिव्यू बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पानी के आधार पर आगामी रेगुलेशन तय होगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री बालाजी गौशाला संस्थान और विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति की ओर से
आयोजित श्री राम कथा के सातवें कथावाचक राम भद्राचार्य महाराज ने राम भरत मिलाप का प्रसंग सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज छोटी छोटी जातियों में हमारे राजनेता समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि सरकारों में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि फरवरी 25 में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस दौरान पार्टी ने अपने एक कद्दावर नेता को खो दिया है। सलीमपुर से 5 बार विधायक रह चुके चौधरी मतीन अहमद ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिनभर बुलेटिन। नमस्कार।